कानपुर नगर के बिधुनु थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्वर्ण जयंती बिहार में गुरुवार मध्यरात्रि हथियारबंद बदमाशों ने घर में धावा बोल दिया। घर के अंदर घुसते ही बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। स्वर्ण जयंती बिहार निवासी मोरंग कारोबारी सौरभ सिंह अपनी पत्नी पूनम, दो वर्षीय बेटा और दादी प्रेम कुमारी के साथ रहते थे। पूनम ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 2 बजे दो बदमाश पीछे की दीवार फांद कर आंगन में आए थे। इसी दौरान पानी पीने के लिए जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो दोनों बदमाश अंदर घुस आए और पूनम का मोबाइल छीनकर तमंचा अड़ाने के बाद बरामदे में सो रही दादी को जगाकर अलमारी वाले कमरे में ले गए। इस दौरान बदमाशों ने बेड पर सो रहे 2 वर्षीय मासूम को चाकू की नोक पर रखकर और पूनम को तमंचा लगाकर अलमारी से लूटपाट की। दूसरे बदमाश ने अलमारी का लॉक खोलकर 12,000 की नकदी और करीब 2 लाख के जेवर समेट लिए। बदमाशों ने वृद्धा समेत पूनम को किडनी निकालने की धमकी देते हुए चुप रहने को कहा। करीब 1 घंटे तक बदमाशों की धमाचौकड़ी के बाद बदमाशों ने अलमारी के कुंडे, लॉकर और चाबी को साड़ी से साफ कर फिंगरप्रिंट के निशान साफ करने की भी कोशिश की। बदमाशों के जाने के बाद पूनम ने पति को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली, जिसमें 2 बदमाश भागते हुए दिखे हैं। आप बताओगे ना ये नहीं, तो फिर हम बैठ गए और हमने कहा अब मार डालो, जैसे जैसे जो भी जो करना हो तो अब मार डालो, अब कुछ नहीं। तो जी लग रहा था, जी लग रहा था कि मार के जाएंगे। सौरभ सिंगर के घर में तभी भी मिली, ये रात में लूटपाट हुई है। इसमें प्रथम दृष्टया इन्होंने वादी पक्ष में 2 लोगों को बताया है। CCTV फुटेज में भी 2 लोग ही हैं और यहाँ पे सामान वगैरह लेके गए। हाँ, ये सब जांच का विषय है, आगे आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है।